अगर दवाई के रेट बढ़ जाते हैं, 4 रुपये या 5 रुपये बढ़ गया मेडिसिन पे, उसके ऊपर अगर हम अपना रेट लगा देते हैं तो उसका क्या है, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? ये जुर्म लगता है, जो कानूनी तौर पे रेट छपा हुआ है तो अपना रेट, यानी पूछने का मतलब है कि अपना कोई यानी कि 2 नंबर का रेट लगा दे बढ़ा के, ये कानून क्या बोलता है? इसमें ये हो सकता है कि जैसे मिसाल के तौर पर इनके पास जो मेडिसिन रखी हुई हैं, दवाइयाँ, सिरप वगैरह, ये इन्होंने जब ख़रीदा था तो ये 50 रुपये की बोतल थी और ये इनके पास चल रही है अभी अभी, इसकी एक्सपायरी हो सकता है कि 5 महीने साल बाकी हो। कंपनी ने जो नया स्टॉक निकाला तो हो सकता है कि उसके रेट 60 या 63 रुपये निकाले हों नई चीज़ के, तो अब उनके पास जो पुरानी चीज़ पड़ी हुई है उसी चीज़ की, तो क्या उसके 60-63 रुपये ये कर लेंगे? शरण तो अपनी चीज़ है इसकी, ये जिस भी दाम में बेचे, लेकिन कानून ही क्या है। अब तो ये इस पर तो आम है, ये सीज़न जब आता है ना तो ये दवाएं स्टॉक करते हैं, जैसे कि अब खांसी का सीज़न आजकल, तो ये मेरा ख्याल है आजकल की जो बीमारियां होंगी ना गर्मियों की, तो इसका स्टॉक निकाल रहे होंगे ये कि बिक रही होंगी। इसी तरह ये रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें जो डीप फ्राई और मुख्तलिफ चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो बाज़ बीमारियाँ रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादारों की हिर्स की वजह से बढ़ जाती हैं, तो उनको पता होता है कि ये कौन कौन सी बीमारियाँ इन दिनों बढ़ेंगी, तो ये पहले से शाबान में, रजब शरीफ में इन्होंने स्टॉक किया होगा और अब ये निकल रहा होगा। तो इस तरह ये करते हैं सर्दियों में, खांसी और नज़ला और इस तरह की दवाइयाँ से पहले स्टॉक करते हैं, फिर ये इसको बेचेंगे। स्किन की बीमारियाँ चलने वाली हैं तो ये इनको पता होता है कि गर्मियों में स्किन की बीमारियाँ बढ़ती हैं, तो ये सर्दियों में इसका स्टॉक कर लेते हैं। यानी ये स्टॉक करना, लेकिन हम कोई बीमार हो ना इनको मज़ा आवे। अब जैसे बीमार हों, बीमारियाँ बढ़ जाएँ, डॉक्टर की ईद हो जाए, मेडिकल स्टोर वालों की ईद हो जाए, पैसे आ रहे हैं, और लाशें गिरनी शुरू हो जाए तो गोरखनों की ईद हो जाए, खूब कब्रें खुदेंगी और कब्रें बनेंगी, इनको पैसे की बरसात होगी। यार बड़ा अजीबो गरीब धंधा इनका, डॉक्टर भी सोचे यार काय को डॉक्टर बन गए यार, आपको यूँ नहीं बीमारियाँ बढ़ती हैं तो मज़ा नहीं आता। तबीब बनना चाहिए, तबीब बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन इसके हजारत तबीब को अगर खुशी होती है बीमार होते वक्त लोगों के, है तो ये भी तो एक बीमारी है ना जो तबीब को लग गई, कि मुसलमान बीमार हुआ ना इसको मज़ा आ गई है, हमदर्दी होनी चाहिए। तो इस मज़े को किरकिरा करना चाहिए, मज़ा आया इसमें इसका इख्तियार नहीं है, अब इसको किरकिरा करना चाहिए, नहीं मैं अब बस खलास, जो भी मरीज आएगा मैं आधी कीमत पर दवा दूंगा, आधी फीस लूंगा, गरीब होगा या मालदार, कि मेरे अंदर ये मर्ज पैदा हो गया है कि मुसलमान बीमार हो रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है, तो अब मैं यूँ करूँगा। या ये गर्मियों के सीज़न में मज़ा आ गया कि गर्मियों की बीमारियाँ निकल पड़ी हैं और डॉक्टर मरीजों की लाइन लगी हुई है, मैं जितना भी नफ़ा होगा ये सारा खैरात कर दूंगा, गर्मियों के मरीज़ों से जो भी मुझे नफ़ा मिलेगा खलास खैरात, मेडिकल स्टोर वाले भी ये कर लें, इलाज मुश्किल है ना आपकी बीमारी का, जिस तरह आपकी बीमारी का इलाज मुश्किल है ना, कि पैसे निकालना, कि मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, तो है ना मुश्किल ये, तो उस गरीब को जिसको जो डॉक्टर लूट रहे हैं आजकल, लूटने वाले जो लूटते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, जो लूट रहे हैं, इन बेचारे मरीजों को क्या मुश्किल नहीं पड़ती? किसी का जवान बेटा बीमार पड़ा है, माँ के आंसू नहीं थमते, लेकिन आप की हिर्स नहीं रुकती, पैसे खींचे ही जा रहे, खींचे ही जा रहे, यार कल आप बीमार नहीं पड़ोगे क्या होगा फिर?